मध्यम समाचार के साथ मैं हूँ विनी। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन को प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया और उनको याद किया गया। पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर के दिन 146वीं जयंती थी। इस दिन को प्रशासन ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया है। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार की मौजूदगी में यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाते हुए उनको याद किया गया। इस दिन को विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने सभी पुलिस कर्मियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाने का काम किया है। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवन काल को याद किया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन सभागार में ही इस मौके पर चार पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से अधिवर्षता सेवानिवृत्त होने पर उनको सम्मानित करने का काम किया गया और पूरे सम्मान के साथ उनको सेवानिवृत्ति दी गई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने स्वयं इन सभी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी है। वहीं दूसरी ओर जनपद से गैर जनपद स्थानांतरित हुए निरीक्षकों को उनके चाहने वाले और उनके साथियों की ओर से भव्य रूप से विदाई देने का काम भी किया गया। यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कोतवाली मेवर की है। यह तैनात निरीक्षक विजय गौतम जिनका गैर जनपद के लिए स्थानांतरण हो गया था एक निश्चित और तय समय पर उनको जनपद से जाना था। ऐसे में साथियों की ओर से उनको विदाई दी गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर सिंह की मौजूदगी देखने को मिली। वहीं जनपद में कई अन्य निरीक्षकों को भी गैर जनपद स्थानांतरित होने पर विदाई देते हुए सम्मानित करने का काम किया गया।